माय नेम हमजाली एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ वो है गार्लिक ब्रेड। आज हम बनाएंगे वो भी विदाउट ओवन। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले ब्रेड लिया है, 2 स्लाइसेस उसके पीसेस करके उसे 4 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने बटर लिया है रूम टेम्परेचर पे 3 to 4 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने गार्लिक लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, उसे चॉप कर लिया है बारीक बारीक। उसके बाद कटर मिर्च लिया है 1/2 टीस्पून। उसके बाद फ्रेश धनिया लिया है। चलिए अब गार्लिक ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बटर लेंगे। बटर लेने के बाद आप इसमें गार्लिक ऐड कर दें 1 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। ये ऐड करने के बाद आप इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर दें। ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें बटर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अच्छी तरह से तैयार है। चले अब हम इसे ब्रेड के स्लाइसेस पर कोट करते हैं। सबसे पहले आप ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, उसके ऊपर जो हमने मक्खन का मैरिनेशन तैयार किया था ये इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लें सारे स्लाइसेस पर। अच्छी तरह लगाइएगा जितना आपको पसंद हो। खास तौर पर ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। हमारे तमाम स्लाइसेस पर अच्छी तरह मक्खन लग चुका है। चले अब हम ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तवा ले लें या आप कोई भी पैन ले लें, उसे आप लो फ्लेम पर गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप इस पर ब्रेड रख दें। लो फ्लेम पर हमें इसे गर्म करना है। लो फ्लेम पर इसे गर्म होने दें। देखिए ब्रेड हमारी अच्छी तरह गर्म हो चुकी हैं। नीचे से भी आप ध्यान रखिएगा कि ज्यादा कुक ना हो जाए। ये देखें लो फ्लेम पर हमने इन्हें कुक करना है। देखें हमारी गार्लिक ब्रेड अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी गार्लिक ब्रेड अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। चलें अब हम इसे सर्व करते हैं।